What's up? Welcome to another episode of the Let's Play. आज फाइनली बनाएंगे फुली ऑटोमेटिक कैरेट फार्म. अपने पास गोल्ड फार्म ऑलरेडी है एंड सिर्फ कैरेट्स की कमी है फॉर द गोल्डन कैरेट्स. ऑफ कोर्स हम फार्म बनाएंगे इस एरिया में. सारे फार्म्स इधर ही हैं तो ऑफ कोर्स कैरेट फार्म भी इधर ही बनाएंगे. एंड आई एम थिंकिंग हम कैरेट फार्म इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं. और कोई जगह है नहीं हमारे पास, वहाँ पे मैं कोई फार्म नहीं बनाने वाला. वहाँ पे थोड़ा ठीक भाई, बहुत गंदा एरिया, वो सही करेंगे आज के आज. आई प्रॉमिस आज सही कर देंगे वो भी. कैरेट फार्म के लिए दो विलेजर चाहिए होते हैं एंड अपने पास काफ़ी सारे विलेजर्स हैं. हालांकि ब्रीडर मैंने बंद कर रखा है बट दीज आर इनफ, मोर देन इनफ. आई वांट टू मेक इट लाइक दिस कि इसकी नेचर लुक ना खराब हो इस एरिया की. बाय द वे मैंने टेक्सचर पैक डाउनलोड कर दिया. अब टोटम ऑफ अनडाइंग मेरे ऑफ एंड में है बट विजिबल नहीं है, सो दैट्स ग्रेट. इसमें व्यूइंग स्पेस कम नहीं होती फिर. दिस इज नॉट इनफ राइट, थोड़ा सा और. Seems okay-ish. Maybe this also needs some spruce pillars. Of course. Gotta strip this. What if मैं यहाँ पे ऐसे fences लगा दूँ और fences के पीछे अपना farm आ जाएगा. Will it look good? I don't know. I was thinking कि थोड़ी fences and fences के पीछे अपना farm. I don't know. ऊपर उसको connect कराना पड़ेगा वरना ऐसे अच्छा नहीं लगेगा. बेटर आई गेस पहले फार्म बनाते हैं यार, उसके बाद जो डेकोरेशंस करनी है करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नीड डर्ट. ओके पहले फार्म बनाते हैं. ये जितना भी स्टोन अंदर का है उसको रिप्लेस करेंगे डर्ट से, फिर डालेंगे पानी और फिर करेंगे टिल. ओके लाइट्स भी लगा दी हैं. गेस इधर भी हम वो कॉम्बो यूज कर सकते हैं, कोबल स्टोन स्टोन एंड एंडेसाइट. एंडेसाइट ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा बीच में है, बस कोबल स्टोन डालना है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में. आई गेस दैट विल लुक गुड, मच बेटर. अब डालते हैं वाटर. वैसे मैं इसके नीचे भी छुपा सकता हूँ वाटर सोर्सेज बट आई गेस दिस इज ओके यार. वैसे भी दो सोर्स लगेंगे और सारा हाइड्रेट हो जाएगा, इट्स ओके. एंड आई कैन यूज दिस आई गेस. जितनी कैरेट्स मेरे पास थी मैंने सारी गोल्डन कैरेट्स बनाने में यूज़ कर ली थी, तो इनसे बोरो करनी पड़ेगी हमें. वेट 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 वेट, एक जना करेगा हार्वेस्ट कैरेट्स को, एक और एक विलेजर को हमें एज अ बेट यूज़ करना पड़ेगा. या फिर हम इधर यूज़ कर सकते हैं या फिर इधर. इधर कुछ है नहीं है आई गेस. हाँ इधर यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम एक चेस्ट एरिया शो कर सकते हैं. यहाँ पे विलेजर को इंट्रैप करना है, यहाँ पे हम डाल देंगे रील्स वगैरह. हाँ बस पहले यहाँ पे विलेजर को तो लेके आए. ओके लेट्स एक्सटेंड दिस, जाएगा ऊपर यहाँ से सीधा अंदर. जा 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 कम ऑन, यस बड़ी यस. अब मैं पुश कर लेता हूँ, मैंने पावर ड्रिल नहीं यूज़ करी. यहाँ पे लगाते हैं ट्रैप डोर ताकि बाहर ना निकल सके. एंड ये बेचारा विलेजर यहाँ पे फंसा रहेगा एंड इसको हम एज अ बेट यूज़ करेंगे. और एक और विलेजर चाहिए जाले क्या. एंड हियर ही कम्स. अरे शिट हमें इसको धक्का मारना पड़ेगा, वापस चले जाएगा. नहीं नहीं नहीं, इसको यहाँ पे साइड पे करके रख देते हैं अभी के लिए. बस अब एक कंपोस्टर चाहिए और इसको एक्चुअली ओ शिट वेट अ मिनट, यहाँ पे हॉपर्स वगैरह भी तो लगाने हैं. अभी मैंने काफ़ी टाइम से देखा नहीं कितना आयरन हुआ है यहाँ पे. गुड अमाउंट, आई विल टेक दैट. इसलिए मैं कह रहा था हमें बड़े आयरन फार्म की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा बहुत आयरन चाहिए होता है वो हमें ऐसे मिलता जाएगा. एंड दिस वाज रियली इजी टू बिल्ड. चार हॉपर्स चाहिए होंगे आई गेस हमें, एंड चार हॉपर्स हो गए और दो चाहिए होगी माइनक्राफ्ट विद हॉपर. एक हॉपर नीचे जाता हुआ ठीक है. इसके नीचे तुम्हारी आएगी चेस्ट. अब यहाँ पे हम प्लेस करेंगे एक रेल, फिर हम प्लेस करेंगे माइनक्राफ्ट हॉपर और ये रेल तोड़ देंगे. परफेक्ट. अब इसके ऊपर स्लैब वगैरह कुछ भी डाल दो ठीक है, ताकि ऊपर रेल प्लेस हो जाए. ये तोड़ना पड़ेगा है ना हमें अभी के लिए. ओके रेल प्लेस हो गई, ये प्लेस करेंगे एंड ये हाथ में रखता हूँ ऊपर. फटाफट प्लेस करना पड़ेगा, विलेजर भाग ना जाए. ये तोड़ देंगे एंड वी विल ट्राई अगेन. नो वरीज नो वरीज, वी विल ट्राई अगेन. चल तू ऐसा कर घूम, मैं इसको अंदर डाल देता हूँ. जा भाई तू जा अंदर. इसको हम माइनकार्ट में रख सकते हैं, चल इसको माइनकार्ट में रखते हैं, भाग ही नहीं पाएगा. माइनकार्ट विद हॉपर, नीचे वाली रेल तो. ये वाली माइनकार्ट आगे वाली माइनकार्ट को पुश कर रही है, तो इसको तो हमें तोड़ना ही पड़ेगा. ओके लेट्स ट्राई अगेन. माइनकार्ट विद हॉपर, नीचे वाली रेल टूट गई, फिर ये डालो, इसको तोड़ो. और माइनकार्ट विद रेल, माइनकार्ट विद रेल, मैं क्या बोल रहा हूँ, माइनकार्ट विद हॉपर डालो यहाँ पे. हाँ अब नहीं भागेगा, अब ये तोड़ देता हूँ. एंड अब
अब ये यहाँ पे बैठा रहेगा, अब बस यहाँ पे कैरेट्स लगानी है और कंपोस्टर देना है इसको, ये बन जाएगा अपना फार्मर। ये अब इतना सारी गाजर ये ले तो खा नहीं पाएगा, जाएगा अपने भाई को देने की कोशिश करेगा, बट माइनक्राफ्ट विद हॉपर विल सक दी आइटम्स और फिर ये जाएगी हॉपर्स में, इजी पीजी। थोड़े दूर से निकलता हूँ, मेरे पीछे ना जाए। मुझे चाहिए थे कुछ कैरेट, फुल ग्रोन कैरेट्स है तुम्हारे पास? कुछ नहीं आएंगे इस, आई मीन मैं उठा सकता हूँ, ये खुद ही रीप्लांट कर देंगे, है ना? मैं ऐसे ही उठा लेता हूँ, वो खुद रीप्लांट कर ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। हे यू गो सर, हे इज अ कंपोस्टर, लेट्स प्लांट द कैरेट। वेट, वो इस कैरेट को एसेस नहीं कर पाएगा ना? कोई बात नहीं यार, एस्थेटिक्स भी कुछ होता है। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आप जल्दी अपनी जॉब पकड़ लें, ठीक है? किधर देख रहे हैं नीचे? वो बस चेस्ट लगानी रहेगी, अपना हॉपर किधर है? ये रहा हमारा हॉपर, ठीक है। ओए नहीं, गड़बड़ कर दी मैंने। आ भाई 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 भाई, आई सक सो मच ब्रो। भाई यार ये थोड़ी तोड़ना था, पागल हूँ मैं। आई मेस्ड अप रियल हार्ड। ओके, आई आई कैन फिक्स दिस, आई कैन फिक्स दिस। मुझे बस पिस्टन चाहिए, पिस्टन बना के ला जाता हूँ। ओके, मैंने पिस्टन क्राफ्ट करी, पिस्टन थी ऑलरेडी मेरे पास। लेवर दे दो, थैंक यू सो मच। एक्चुअली अब मैं आया ही हूँ तो जो मैंने अगली चीज़ करनी है उसके लिए सामान भी ले ही जाता हूँ। आया ही हूँ तो इन्वेंट्री भी थोड़ी सही कर लूँ। हमारे पास एक मॉस ब्लॉक था, मॉस ब्लॉक किधर गया? ये रे, परफेक्ट। क्योंकि अपना कैरेट फार्म तो ऑलमोस्ट रेडी है, फिर मैं दिखाता हूँ मैं मॉस ब्लॉक से क्या करना चाहता हूँ। टाइम टू फिक्स द शिट विलेजर, ये रहा, ठीक है। इसके नीचे जाओ, लाइक आई जस्ट नीड टू प्लेस अ पिस्टन हियर, राइट। इधर पिस्टन प्लेस करूँगा, इसको करूँगा पावर, एक और ऊपर करना है, बस बस बस, इजी एंड आई एम डन। हाँ बस ध्यान से, अब ये नहीं तोड़ना फिर से। क्योंकि मैं बिल्कुल इसके नीचे चेस्ट नहीं रखना चाहता, मैं थोड़ी आगे को रखना चाहता हूँ चेस्ट, इसलिए मैंने एक और हॉपर बना लिया था। ओके, ये बन गई मेरी डबल चेस्ट, मैं इसको रखूँगा ऐसे एंड इसको करूँगा ऐसे, तो जो भी कैरेट्स आएंगे वो इधर जाएंगे फिर। हाँ बस बढ़िया, ये काम कर रहा है। मेरे मैं सारा सोन उधर छोड़ाया, मैं फिल कैसे करूँगा ये बाद में कर दूंगा। मैं सब कुछ बाद में करता हूँ। ओके, इज ऑलरेडी वर्किंग। इसने तोड़ दिया वो, इसने तोड़ कैसे दिया? कंपोस्टर का एक पिक्सल है जिसपे वो खड़ा हो सकता है। आई सी, बट एनी हाउ नाउ यू वोंट बी एबल टू, और मैं थोड़े सही कर दूँ। थैंक यू सो मच सर। अब तो पूरी ज़िंदगी फार्मिंग करेगा अपने दोस्तों की तरह। एंड दैट्स इट भाई, अपना कैरेट फार्म कंप्लीट है, जल्दी हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी कैरेट्स आ रही होंगी। दैट्स इट। अब मॉस ब्लॉक मैं क्यों लेके आऊँ, लेट मी शो यू। डोंट वरी, मैं पूरा एरिया लश्केव नहीं बनाने वाला। यू सी दिस एरिया इज़ वेरी वेरी डर्टी। भाई क्या है यार, ये डायराइट क्यों है यहाँ पे? नो, आई डोंट लाइक डायराइट। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, डैम, थोड़ा कुछ से भी सही करना पड़ेगा। बट आई डोंट वॉन्ट टू मेक दिस ऑल मॉस, बीच बीच में मैं स्टोन रखूंगा ताकि थोड़ा अच्छा लगे ना। नॉट दैट बैड, पहले एक्चुअली वो फिक्स करता हूँ, उसके बाद ये थोड़ा मौसी मौसी करेंगे। मौसी 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 मौसी, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं सारी स्टोन छोड़ आया घर पे, अब मुझे फिर जाना पड़ेगा। कोबल स्टोन की कमी होनी शुरू हो गई जब से हमारे पास सेल्टर चाहिए, आई गेस। एक और प्रोजेक्ट ऐड होने वाला है, दैट इज ऑटोमेटिक कोबल स्टोन जनरेटर। थोड़ी सी इसको शेप दूंगा, मच बेटर देन बिफोर। ये बहुत ज़्यादा प्लेन है, लेट्स फिक्स दिस टू। हाँ इसका तो मैं कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकता यार, आई जस्ट रियलाइज्ड। अब थोड़ा स्टोन डालना शुरू करता हूँ। सारा सारा का सारा मॉस अच्छा नहीं लगता, इसलिए आई एम लीविंग सम स्टोन इन बिटवीन। सारा का सारा अगर मैं मॉस मॉस कर दूंगा बहुत बुरा लगेगा। गो अवे डायराइट, नो वन लव्स यू। ओके, डायराइट रिमूवल हो गया पूरा। आई कैन स्पॉट वन बेटर, थोड़ा और मॉस उगा दे जरा। दैट्स लुकिंग ओके इसमें, आई मीन थोड़ी सी बैकग्राउंड आ गई इस पे। यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ तो, ये बहुत प्लेन लग रहा है एरिया, यहाँ पे कुछ डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं या फिर कुछ। नाउ द थिंग इज, कैन वी ऐड अ वाटर सोर्स? अगर वहाँ से हम वाटर सोर्स ऐड करें अच्छा लगेगा या नहीं, आई गेस ट्राई करके पता चलेगा। डोंट ओवरफ्लो, डोंट ओवरफ्लो। ये इतना मुझे लग रहा है बहुत बकवास लग रहा होगा। ए नॉट दैट बैड आई गेस। ओ गॉड, आई गेस दैट्स इट ब्रो, आई कॉन्ट डू एनी थिंग मोर। लुकिंग ऑल गुड, लाइटनिंग चाहिए, ऑल बेटर। ओके दैट्स इट आई गेस। ओके, ये एरिया कब से बहुत गंदा लग रहा था वो भी सही कर दिया। नाउ वो, अब हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं?
क्योंकि हमने ऑलमोस्ट अब इसका वो शिप करना रह गया. लेट मी ट्राई समथिंग हियर. पता दिस कैन एक्चुअली वर्क आउट, बट फिर मुझे वहां से बट फिर मुझे रूफ थोड़ी नीचे गिरानी पड़ेगी. दिस कैन वर्क या फिर ऐसे ठीक है भाई, बुरा नहीं लग रहा यार. अब मुझे एक चीज बताओ, रूफ में वहां तक गिरा दो, मतलब वहां से रूफ शुरू होगी इसकी. ये भी ठीक लग रहा है आई गेस. आई डोंट नो क्या ये ठीक लगेगा. दिस इज लुकिंग, हाँ ये भी सही लग रहा है. ओके मुझे दो चीज़ें बताओ, मैं इसके ऊपर ट्रैप डोर्स लगाऊं या फिर सिंपल फेंसेस रखूं, और वो ऐसे ठीक है ऊपर वाला एरिया, फिर रूफ थोड़ी सी नीचे कर दूं उसकी, मतलब जो स्टोन रूफ है ना वो इसको मैच कर दूं इसको. देन आई गेस इट विल लुक गुड. आई रियली डोंट नो. मुझे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि क्या करना चाहिए इन दोनों के बारे में. बस वो वैसे अपने दोस्त को कैरेट देने की कोशिश करेगा एंड बीच में हम हड़प लेंगे. दैट्स द कैरेट फार्म. अब मेरे पास बोन्स है ना, कम ऑन मैं इसका थोड़ा बूस्ट अप करता हूँ प्रोसेस. फुली ऑटोमेटिक फार्म बनाया तो भी मैनुअली काम कर रहा हूँ. ब्रो जा अपने दोस्त को कैरेट दे. ब्रो जा, तेरा दोस्त भूखा मर रहा है वहाँ पे, कैरेट दे उसको. भाई अभी तो ये अकेले अकेले खाए जा रहा है भाई, इसको इसको शेयर नहीं करनी है ब्रो. लेट्स वेट एंड वॉच. आई रियली वांट टू सी. एक बारी मैं देखना चाहता हूँ कि पक्का काम कर रहा है ना. भाई ये एरिया अपना बहुत अच्छा बना है यार, सीरियसली. कम ऑन दिस एरिया इज टू कूल. डैम आई लव दिस ट्रेडिंग हॉल, ज़ॉम्बी रूम जो भी कह लो उसको. देन वी ऑल्सो हैव दिस ऑटोमेटिक कैरेट फार्म. फिर यहाँ पे अपने पास विलेजर ब्रीडर जो अभी बंद है क्योंकि अपने पास ऑलरेडी बहुत सारे विलेजर्स हो रखे हैं. देन वी गॉट दिस, थोड़ा नेचर एलिमेंट भी ऐड हो गया अब तो इसमें. बस उसको कैरेट शेयर कर अब जा, बहुत टाइम हो गया, बहुत काम कर लिया. इज ही गिविंग द कैरेट्स टू हिम? आ ये दिस इज वर्किंग. खाली कर दे, खाली इन्वेंटरी खाली कर दे अपनी. एक टाइम पे 40 नॉट बैड भाई. और इस 40 को अगर मैं गोल्ड कैरेट गोल्डन कैरेट्स में कन्वर्ट करूंगा बहुत टाइम चल जाएंगी. एंड यू नो व्हाट, ये एरिया हमेशा एक्टिव रहता है तो भाई बहुत बहुत कैरेट्स प्रोड्यूस करने वाला है ये. सो दैट्स इट, हमने फुली ऑटोमेटिक कैरेट पंप बना लिया. गोल कंप्लीटेड फॉर टुडे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, और सब एपिसोड्स आते रहेंगे. एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना. And I will meet you in the next one. Thank you so much for watching.